तरीके की मजेदार वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1,00,000 लाइक, तो फटाफट लाइक कर दो। एंड जितने लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर दो चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फूडीज, फूडी वी मैं सवाल हमेशा की तरह हमने क्या कहा कुछ लोगों का कुछ अद्भुत को क्या विश्वास दिया। अगर जैसे कि चल रहा कोरोना काल, लोग बाहर जाके खाना करते हैं अवॉइड और ऑनलाइन डिलीवरी को करते हैं प्रेफर। यार ऑनलाइन डिलीवरी में ना दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला हमारे पास प्राइस और दूसरा हमारे पास रेटिंग। और मैं जो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट देखता हूँ ना कि रेस्टोरेंट की रेटिंग कितनी है। यार मैं तो देखता हूँ प्राइस, क्योंकि जो हम मिडिल क्लास लोग है ना हमारे लिए प्राइस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। और मुझे पता क्या लगता है, ये जो रेटिंग है ना ये मैनिपुलेट हो जाती है। मतलब जिस रेस्टोरेंट वाले के पास पैसा थोड़ा ज्यादा है वो अपनी रेटिंग बढ़ा भी लेते हैं और दूसरों की गिरा भी सकते हैं। तो आज एक काम करते हैं, आज टेस्ट करते हैं कि बेस्ट रेटेड रेस्टोरेंट और वर्स्ट रेटेड रेस्टोरेंट में फर्क क्या है। सीरियसली एक तो प्राइस कंपेयर करेंगे, फूड कंपेयर करेंगे और पैकेजिंग कंपेयर करेंगे। यार मेन चीज जो है स्वाद कंपेयर करेंगे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो को शुरू। पंजाबी में ब्रदर को कहते हैं वीर। सबसे पहली चीज हमने मंगाई है शाही पनीर। तेरे कपड़े में दूंगी चीर चीर। शट अप। इससे अगली चीज मैं खाऊंगी खीर खीर। वाह इतनी घटिया शायरी मार के ना सारा मूड खराब कर दिया। मेन मुद्दे पे आते हैं, ये जो शाही पनीर है ना ये मैंने मंगाया वर्स्ट रेटेड से और ये बेस्ट रेटेड से, और दिखने में फर्क लग रहा है। इसमें सस्ता थैला यूज हुआ, इसमें महंगा थैला। ये 2 रुपए का एक पीस वाला है और ये किलो के हिसाब से मिलने वाला थैला है। ज्यादा फर्क है नहीं है, दोनों ने प्लास्टिक में ही दिया है तो डजंट मैटर। ये गलत बात है, आज की डेट में अगर आप प्लास्टिक यूज कर रहे हो ना आप वर्स्ट रेटेड हो, सस्ते हो महंगे हो, प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। इसकी रेटिंग थी 4.4 और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि पैकिंग थोड़ी अच्छी होगी बट नहीं है। और इसकी रेटिंग थी 2.8 जिसे मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन पे उतरता भी नहीं अगर करते भी तुम कुछ। तो एक बार इनको खोलते हैं ट्राई करते हैं और बताते हैं कि लाइक टेस्ट में कौन सा बेटर है। अब भाई साहब ये तो फिर भी ठीक है, ये तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास। यार पर वैसे देखा जाए ना ये वाली जो पैकिंग है सबसे ज्यादा बढ़िया पैकिंग यही वाली होती है, क्योंकि ये रखती है खाने को गर्म। खाने को गर्म। मैं तो कह रहा हूं सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे चीपेस्ट वाले से। ठीक है चलो लेके आओ इसको खोल। लाओ भाई कटोरियां लाओ। बारी आ गई 2.8 की रेटिंग वाली की। इसके ऊपर तेल देखो भाई साहब, ऐसी तैर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अलग से डाल के डाला। पैकेट में से भी दिख रहा है तेल। इतना तेल है कि बंदा स्विमिंग कर सकता है इसके ऊपर। तू ही कर सकती है। वाह कटोरी थोड़ी बड़ी नहीं ला सकती थी डगर के की? पनीर तो सारा इसके अंदर रह गया। मतलब इतना घटिया गैस मैंने आज तक नहीं देखा। देखा जाए सारा का सारा पनीर जो है ना वो अलग से इसमें डाला हुआ है। नहीं पनीर है इसमें ऐसा लग रहा है मुझे। प्राइस इसका 130 रुपीज था जिसके हिसाब से पनीर ठीक है। मतलब टेस्ट देखते हैं इसका कैसा होने वाला है। महंगे वाला भी डाल ले, महंगे वाला भी साथ में कंपेयर कर लेते हैं। हां तो एटलीस्ट पता तो चले फर्क कितना टेस्ट में। देखते हैं उसमें उन्होंने तेल कितना डाला। और एक चीज और बता दूं मैं, जो शाही पनीर लोग खाते हैं ना उनको पता होगा शाही पनीर बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता। शाही पनीर की ग्रेवी एकदम फ्लॉलेस होनी चाहिए। हाँ, वो उसमें कोई मसाला नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, वो एकदम क्रीमी टेक्सचर की होनी, स्मूथ होनी चाहिए। ये ऐसा लग रहा है कोई इतनी नॉलेज है मुझे कमेंट करके बताने। मुझे पता क्या लग रहा है, ये मटर पनीर की ग्रेवी लग रही है जिसकी वजह से मटर नहीं डाले बस पनीर डाला है। हां ये मटर पनीर जैसी ग्रेवी है, शाही पनीर वाली ग्रेवी नहीं है। देखते हैं 4.4 की रेटिंग वाला दिया। तो बारी आ गई महंगे वाले शाही पनीर की। अब हमें ये देखना है ये शाही दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा। पर इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि महंगा है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी रेटिंग हाईएस्ट है। हाँ बात वो भी है। मेन मुद्दा ये कि इसमें पनीर के कितने टुकड़े होंगे। गिरेगी तो ग्रेवी मैटर करती है। शाही पनीर ये अच्छी नहीं, ये है शाही पनीर। दिस इज शाही पनीर, दिस इज शाही पनीर ग्रेवी। स्मूथ क्रीमी ग्रेवी एंड थिक ठीक। और बीच में देखो कोई मसाला नहीं दिखेगा तुम्हें, सब कुछ पिसा हुआ है बीच में। और पनीर के टुकड़े भी जो है ना वो बड़े बड़े डाले हुए हैं। तो देखा जाए लुक वाइज रेटिंग कहीं ना कहीं काम आ रही है। सही बात, 4.4 के हिसाब से बढ़िया है। मतलब इसका मेकअप बेस्ट हुआ है पर पुराने वाले का मेकअप अच्छे से नहीं हुआ है। पर अब देखते हैं टेस्ट क्या होता है। इसने हुलिया दे दिया है, मेकअप दे दिया है, ये तो और अंदर से मालदार। कई बार बड़ी दुकान फीका पकवान भी निकल जाता भाई साहब। सही बात, नहीं पता लगता। चलो भाई निकालो रोटियां। और एक चीज और, इसके साथ हमने मंगाया नान और उसके साथ मंगाई है रोटी। उसके साथ मंगाना था हमने नान बट ऑप्शन ही नहीं थी, रेटिंग थोड़ी डाउन थी उसकी। एंड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, 4.4 की रेटिंग वालों के साथ ना सलाद और चटनी भी मिली है। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है यार। पर एक चीज देख रहे हैं, नान काट के नहीं दिया। मैं तो नान जाके मंगाता इसलिए क्योंकि वो 1/3 करके देते हैं, वो मल्टीटास्किंग हो जाती है। पर मैंने ये देखा कि नान 1/3 करके दो तो पेट जल्दी भरता है, ऐसा लगता है 3 नान खाए हैं। खाए ही होता है सच्ची में। ये ऐसे लोग हैं जो कि रेस्टोरेंट में जाके ना बोलते हैं भैया सूप कर दो 1/2, कि दो लोग एक ही सूप में और वो 1/2 में ना ज्यादा क्वांटिटी आती है। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है। तुमने दो सूप पीने ना, दो को 1/2 करके पियो।
चलो ट्राई करते हैं दोनों के दोनों रेटिंग वाले खाने। तू रॉयल बंदा लग रहा है, तू महंगा लाओ दे तो। मैं साधारण आदमी, एक साधारण तवा रोटी के साथ ये मटर पनीर वाला विदाउट मटर, मटर पनीर ही लग रहा है। पहले सस्ता खाएं महंगा खाएं? पहले सस्ता खाते हैं। चलो 2.8 की रेटिंग वाला पनीर का पीस आ जाए बस। और ये शाही पनीर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जैसे किसी इंसान ने बनाया हो, जिसको बनाने नहीं आता, जिसको पता ही नहीं शाही पनीर होता क्या। शुद्ध देसी ढाबे वाली फील आ रही है, पर स्वाद तो है। सच्ची में मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूंगा, स्वाद तो है, स्वाद बहुत ज्यादा है। हाँ। बट ये शाही पनीर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये। बिल्कुल इसी ग्रेवी में ना ये कढ़ाई पनीर देते हैं, मटर पनीर देते हैं, सारी पनीर की डिशेज सेम ग्रेवी में देते हैं, मुझे भी लगता है। बट स्वाद सच्ची में बहुत ज्यादा है, स्वाद है, स्पाइसी है, और रोटी भी ऐसा नहीं है कि गंदी लग रही है, रोटी भी स्वाद है, आटे वाली है, आटे वाली तवा रोटी है। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इसकी रेटिंग का यही रीजन होगा कि इसका खाना नाम के हिसाब से नहीं होता। अब हम करते हैं ट्राई असली शाही पनीर। हाँ। अब वो भी नहीं पता असली है या नहीं है, बट ट्राई करते हैं। पिछले वाले शाही पनीर में तो हल्दी इतनी डाली हुई थी ना, हाथों पे रंग ही चढ़ गया हुआ है। सही बात है, इसको ट्राई करते हैं। इसमें इन्होंने जो पनीर है ना ऐसी नहीं डाला, कुक करके डाला हुआ है, थोड़ा ऐसे मैरिनेटेड टाइप लग रहा है, मैरिनेटेड सा लग रहा है, और पीस भी बड़े हैं पनीर के। हाँ। तो ऐसा नहीं कि काटा घर की तरह और डाल दिया जैसे एंड में डाल दिया, साथ में सलाद चटनी। ये है भाई साहब प्योर मैदे वाली रोटी, पर ये स्वाद ज्यादा होती है, पहले बता दूं। जो चीज ज्यादा अनहेल्दी होती है ना वो स्वाद भी ज्यादा। ये तो बात सही है तुम्हारी, मैं तो पूरा पनीर का टुकड़ा खाऊंगा भाई साथ। मैं तेरे कंपनी करूंगा पूरी। चीयर्स। इन्होंने कस्तूरी मेथी ज्यादा डाल दी हुई है जिससे थोड़ा कौड़ापन आ रहा है। शाही पनीर अच्छा है। हाँ। शाही पनीर जैसा है बट वो ज्यादा स्वाद था। मुझे उन दोनों में से ऑप्शन दी जाए ना कि वो वाला खाना है ये वाला खाना है, और टेस्ट के मामले में आई विल प्रेफर कम रेटिंग वाला। हाँ। अगर शाही पनीर की बात करें तो ये शाही पनीर है। हाँ। जिसका टेस्ट ओके ओके है और स्वाद वो वाला था जो कि शाही पनीर। और मेरे को ना इसको एक और चीज बुरी लगी, इसका जो पनीर है ना बहुत ज्यादा च्यूई है, थोड़ा सा सख्त है, उसके जो पनीर के चंक्स है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे। क्या पता उन्होंने फ्रेश पनीर यूज किया हो। हाँ। और सिंथेटिक हो। हाँ। सिंथेटिक तो आजकल हो सकता है भाई। हाँ। ऐसी बात नहीं है, सीधी सी बात यार, देसी इंडियन खाने में रेटिंग का इतना फर्क पड़ा नहीं। हाँ, है ना? इंडियन खाने में तो पड़ा नहीं। हाँ। तो अगली चीज जो हम ट्राई करने लगे हैं ना वो है चाइनीज, क्योंकि ऑनलाइन जब बात आती है ना खाना मंगाने की, मेरे जैसा बंदा तो चाइनीज मंगाता है नूडल्स मंचूरियन, और स्वाद इतने लगते हैं ना नूडल्स मंचूरियन। तो एक बार चाइनीज ऑर्डर करते हैं फिर देखते हैं उसमें क्या फर्क है वर्स्ट और बेस्ट रेट। बिल्कुल सही। मुक्ति का दिमाग नहीं होगा साफ, चाहे यूज कर लो रिन। बिल्कुल सही। और अगली चीज हम खाएंगे चाउमीन। एक शायरी मुझे भी आई है, बोलो। पंजाबियों ने अगर कराना हो एक काम वो बोलते हैं अनमन शन, और हमने मंगाया मंचूरियन। वाह वाह, इतनी ज्यादा गंदी शायरी मैंने मारी। तो भाई साहब शक्ल देख के आपको पता लग गया होगा वर्स्ट रेटेड बेस्ट रेटेड कौन सा है। अगर आपको फिर भी नहीं पता लगा हम बता देते हैं एक बार। ये है जी 2.8 की रेटिंग वाला, और वो है 4.4 की रेटिंग वाला। देखा पिछली बार भी 2.8 और 4.4 की रेटिंग थी, इस बार भी मुझे लगता है पक्की रेटिंग है, लोएस्ट वाले की 2.8, हाईएस्ट की 4.4 शायद। ये मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी पैकेजिंग, बहुत सुंदर। वैसे देखा जाए ना पैकेजिंग इसकी भी बुरी नहीं है। हां हां, जैसे सामान निकालो देखो। अगर देखा जाए कि पुरानी पैकेजिंग से कंपेयर करें, उन्होंने प्लास्टिक यूज किया था, एटलीस्ट इन्होंने प्लास्टिक नहीं यूज किया। प्राइसिंग का तो डिफरेंस बताओ कितना कितना है। ये है 230 रुपीस का और वो है 560 रुपीस का। ओ भाई साहब, सेम चीज सेम चीज सेम डिश हमने चाइनीज मंगाई है दोनों में, और डबल से भी ज्यादा रेट का फर्क है। माय गॉड, पहले ट्राई करते हैं सस्ती वाली। हाँ। चलो ठीक है, वो चाउमीन देख के मुंह में पानी आ गया। मैंने एक्सपेक्ट किया था ये ना आएगी वो सिल्वर वाली पैकिंग के अंदर चाउमीन। हाँ। क्योंकि ज्यादातर वैसे ही खाई हुई है, हमने रेडियो में खाई है ना, रेडियो वाले वो सिल्वर पैकिंग में डाले। मेरे ख्याल से रेडियो वाले ना जोमेटो पे होते नहीं है। यार ये क्वांटिटी अच्छी खासी है वैसे, है क्वांटिटी अच्छी है। और साथ में हमने मंगाया मंचूरियन। भाई साहब चाउमीन और मंचूरियन खाए वैसे तो बहुत टाइम हो गया। और जितने लोगों को भी मंचूरियन फेवरेट लगता है ना कमेंट कर दो फटाफट। यार ये जो जोड़ी है ना मंचूरियन और चाउमीन की, भाई साहब जैसे जय वीरू की जोड़ी थी ना शोले में, वैसी जो जोड़ी है इनकी। करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। पर ये मुझे पर ये मंचूरियन ना मुझे थोड़ा पतला भी लग रहा। मतलब ग्रेवी जो है ज्यादा थिक होती है मंचूरियन। हाँ, की इसकी थोड़ी पतली है, कम थिक है। हाँ। इन्होंने कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, खत्म हो गया होगा। सस्ती वालों को हमने नोटिस किया उसकी भी रेटिंग कम थी, वो भी पतला पतला सा था, इसकी इस पे पानी ज्यादा डालते पर मंचूरियन देखने में तो अच्छा अच्छा लग रहा है, चाउमीन भी अच्छा लग रहा है, क्वांटिटी भी अच्छी है, 230 रुपीज के हिसाब से अच्छी क्वांटिटी है। खाने से पहले ना एक बार महंगे वाला भी दिखा देते हैं। चलो ठीक है, पैकेजिंग तो इसकी भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, उससे ज्यादा बढ़िया लग रही है अंदर से देखो। केचप, क्या बात है, ये बर्गर दे रहे हैं कोई। 530 रुपए लिया उन्होंने केचप, तो देनी बनती है। तीन नैपकिन भी दिए 250 रुपए के।
इनको देख के इतना खुश होता है ना। हैशटैग पक्के मिडिल क्लास। इन्होंने प्लास्टिक यूज किया, उनका जो था वो कागज का था, गत्ते वाला डब्बा था उनका, इनका प्लास्टिक वाला डब्बा है। विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट गुड, बट टू बी ऑनेस्ट ये यूज बहुत आता है। हाँ। ये खाने के बाद भी आपको किसी को खाना देना है रस्ते के लिए चाहिए तो ये काम बढ़िया। इसके मंचूरियन ज्यादा गोल लग रहे हैं मुझे। ये प्रॉपर प्रोफेशनल बनाए हुए हैं। इन्होंने मशीन रखी हुई है मंचूरियन बनाने के लिए। गुलगुले लग रहे हैं भाई। इसकी ग्रेवी ने कितनी थिक है, इसकी ग्रेवी थिक है भाई साहब। क्या है इसके अंदर? विनेगर, हरी चटनी, लाल चटनी, सोया सॉस, मतलब कोई कमी नहीं यार। कोई फीलिंग आई। मैं तो ये देख रहा हूँ कि डब्बियों के अंदर डाल के दिया। पहले तो वो प्लास्टिक की थैलियां थी ना छोटी छोटी, उसके अंदर डाल के देते थे। ऐसा क्या वो वाला? बस सब आज निकालनी थी। वो तो एक चीज देख रहा है, महंगी वाली चाउमीन में मसाले कम डाल देते हैं। व्हाइट है इसका भाई साहब। मसाले कम, मुझे मसाले दिख ही नहीं रहे कहीं। ये तो अंग्रेजों वाले नूडल है यार। ये वो ना हो सूखी बड़ी दुकान, फीका पकवान ना हो जाए। मुझे लग रहा है वैसे ही फेयर एंड लवली वाले चाउमीन। सब्जियां ज्यादा लग रही है इसमें, बट इसमें मसाले मसूले नहीं है। ये थोड़ा हेल्दी साइड वाला लग रहा है, तभी इन्होंने ये मसाले भेजे। तभी भेजे, उनको पता है कि हम मसाले नहीं डालते तो ये शेफिया दे दो साथ में। सही बात। महंगे रेस्टोरेंट से मंगाऊ ना, वो कुछ डाल डूल के नहीं देते, ऐसे देते फिक्का ही मामला। कोई पता नहीं क्या पता ट्रांसपेरेंट मसाले ना डाले हुए तो अभी पहले सस्ते वाले खाते हैं और उसके बाद ये खाते हैं। ट्रांसपेरेंट मसाले खाते भाई यार, महंगे आते हुए हमने कभी नहीं खाए हुए। मिडिल क्लास है। सबसे पहले ट्राई करते हैं चाउमीन सस्ते वाली। ये फायदा देसी रेस्टोरेंट का कि चाउमीन ना पहले मसालेदार होते हैं। देखा जाए ना ऑयल का टेस्ट आ रहा है। जो रेडी वाले होते हैं वो इससे ज्यादा शानदार होते हैं। ये बीच बिचाले के हैं ना, ये महंगे वाले कैटेगरी में ना, ये सस्ते वाले कैटेगरी में। गले में भी लग रहे हैं हल्के हल्के। इसकी रेटिंग ना जायज है 2.8। सच्ची में 2.8 रेटिंग वाले ही हैं। या तो इसको प्रॉपर मसालेदार बना देते देसी नूडल। हाँ। या फिर प्रॉपर जैसे अंग्रेजों ने दिए वो बना देते, बीच का मजा नहीं आया। इन्होंने ना लाल मिर्ची से डाली, मजा से नहीं, अजीब सा बना हुआ है। इनसे बना नहीं ना स्ट्रीट स्टाइल बना ना महंगा स्टाइल बना। अब चलो इनका मंचूरियन भी टेस्ट कर लेते हैं। भी गोला एक फैंक बीच में मिसाइल। पहली बात तो गोला है नहीं, ये तो पकौड़े डाले हैं इन्होंने। हाँ, ये ना जो देसी मम्मी कड़ी में पकौड़े डालती है वैसी शेप है, वही है। इन्होंने भी देसी मम्मियां रखी हुई है। देसी मम्मियां, मम्मियां बहुत अच्छा बनाती है भाई साहब। बात नहीं, वो भी सही है। मंचूरियन तो अच्छा, मंचूरियन पता है कैसा है, ज्यादा शादियों में मिलता है। बिल्कुल डिट्टो, शादियों में। कैटरिंग वाले हैं पक्का, मैं लगा लिया था। ये 100% कैटरिंग वालों का रेस्टोरेंट है। सेम मंचूरियन शादियों में मिलता है। आगे मजा आ गया, शादियों वाली फील आ गई। पिछले साल तो कोई शादी अटेंड ही नहीं हो पाई कोरोना की वजह से। मजा आ गया। तो एक बार अब महंगे वाला खा के देखते हैं उसमें क्या फर्क है। वो शादी वाली फील ऐसा लगे महंगी शादी है, ताज में हो रही है शादी, वैसी फीलिंग ट्राई करते हैं। ट्राई करके देखते हैं ये वाली नूडल क्या इसके अंदर ट्रांसपेरेंट मसाले हैं या नहीं। ऐसा लग रहा है अमेरिका से आए हैं घूम के। सच्ची में, मतलब सेम चीज बट गोरे रूप में। चीयर्स। चीयर्स भाई साहब। मुझे एक चीज अच्छी लगी, इन्होंने सब्जियां बहुत भर भर के डाली हुई है। बस सब्जियां डाली है ना, उसमें तेल का स्वाद आ रहा था, इसमें तो तेल का भी स्वाद नहीं आ रहा। ये वाले नूडल तो सस्ते होने चाहिए ना, इसमें मसाले डाले ना, इसमें तेल डाला ना, इसमें कोई चीज डाली, साथ में भेज दे कि खुद ही डाल के खा ना। ये होल व्हीट के हैं, 550 रुपए में होल व्हीट नूडल भी नहीं मिले हमें। सीरियस, ये तो गलत बात है। अब मंचूरियन खा के देखते हैं कि मंचूरियन के साथ थोड़ा ठीक लगेगा या नहीं। इनको मंचूरियन ना ओवर थोड़ा स्पाइसी और वो बनाना पड़ेगा इसको अच्छा टेस्ट कराने के लिए, बैलेंस करने के लिए टेस्ट को। चीयर्स। मुझे ग्रेवी बहुत मीठी मीठी सी लग रही है। सच्ची में बहुत मीठी मीठी है। डेलिकेसी वाली फीलिंग आ रही है। वो शादी वाली ठीक था यार। हाँ, वो शादी वाला जो देसी बना है ना वो बहुत बढ़िया है, अच्छा है। इसको मैं बुरा नहीं बोलूंगा, इट इज गुड, इट टेस्ट रियली नाइस, बट बहुत ही फॉर्मल सी फीलिंग आ रही है। मतलब अगर मुझे इसके लिए डबल पैसे देने पड़े ना मैं कभी नहीं दूं। जो चाइनीज के फैन है ना उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। इंडो चाइनीज। हाँ, इंडो चाइनीज के जो फैन है उनको नहीं अच्छा लगेगा ना, चाइनीज वालों को अच्छा लगेगा। जो तो अफोर्ड कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स को बुला के उनसे रेटिंग बढ़वाना, फूड ब्लॉगर को बुला के, है वो लोगों की तो रेटिंग हाई है। हाँ। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनको इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ। नॉर्मल ढाबे वाले को क्या नॉलेज होगी कि फूड ब्लॉगर आएगा रेटिंग करेगा उससे उनकी रेटिंग हाई होगी। हाँ। सब कुछ ना वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता इतना। हाँ। ज्यादा ना उसको नॉलेज है, उनकी रेटिंग लो है कहीं ना कहीं। हाँ। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोकल कहीं रह रहे हो ना तो टेस्ट एंड ट्रायल पे चलो। सही बात है। और रही बात ना, मतलब टेस्ट वाइज नीचे वाली रेटिंग के सबसे बढ़िया टेस्ट कर रहे हैं, लुक वाइज इनका हुलिया ज्यादा है, पैसे ज्यादा है तो ये देखने में बढ़िया दे रहे हैं। प्राइस ज्यादा है तो रेटिंग भी ज्यादा और टेस्ट बिल्कुल जीरो। एक ना और चीज ट्राई कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा ऑनलाइन चीज मंगाई जाती है पिज्जा। हाँ, मुझे लगता है पिज्जा के अंदर हम प्रॉपरली बता पाएंगे लो रेटिंग और हाई रेटिंग। और मेरे ख्याल से इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिज्जा ऑनलाइन मंगाते होंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मंगाते हैं पिज्जा और आपको दिखाते हैं। OMG पे लोग चाहते हैं कि आदित्य बोले ओंकार को जिज्जा। नहीं नहीं, चीज है हमारी पिज्जा।
ये है 2.9 की रेटिंग वाला और ये है 4.3 की रेटिंग वाला। और लुक वाइज तो ना सच्ची बोलूं इसकी लुक मुझे 2.9 वाली लग रही है। ये नॉर्मल सा ब्राउन कलर का डब्बा है और इन्होंने भाई साहब पूरी पूरी मतलब सजा वजा के दिया हुआ डब्बा पूरा। तो एक बार अंदर से भी देखते हैं कि फर्क है। और उधर हैरानी की बात देखो क्या है कि डोमिनोज पिज्जा हट लापिनोज का नहीं हाईएस्ट रेटिंग, ये हाईएस्ट रेटेड पिज्जा है। आज पता लग जाएगा कि लो रेटिंग और हाई रेटिंग में कितना सच और कितना झूठ है। सीरियसली तो एक बार दोनों को कंपेयर करते हैं इकट्ठे। ये तो एक जैसी दिख रहे हैं मुझे दोनों। सच्ची में बल्कि वो थोड़ा अंग्रेज लग रहा है। पहले खाता सस्ते वाला। ओके ओरिगेनो चिली फ्लेक्स तो इन्होंने दिया है। दोनों ने दिया। उन्होंने केचप दी है सस्ते वालों ने? नहीं, इन्होंने केचप नहीं दी। इन्होंने केचप वो ऐसी बड़ी डाल दी। इन्होंने एक केचप दी है। पर एक चीज मुझे पता अच्छी क्या लग रही है इसके बारे में, ये दोनों थिन क्रस्ट है। लोएस्ट रेटेड पिज्जा चेन का पिज्जा थिन क्रस्ट है। ओ हो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इसकी प्राइस है 170 rupees। चीयर्स तो कर लो यार। चीयर्स। थिन क्रस्ट पिज्जा हमने ना बहुत बढ़िया बढ़िया पिज्जा खाए हुए हैं जिंदगी में, तो ये इतना बढ़िया नहीं लग रहा है। मतलब सॉस में मजा नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट लोएस्ट रेटेड के हिसाब से इतना बुरा नहीं है। इतना बुरा नहीं है, मतलब इसकी रेटिंग इतनी कम नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें सॉस वगैरह थोड़ी और डाली हो ना और चीज थोड़ी और बेटर क्वालिटी की डाली हो तो आई थिंक इट कैन बी रियली नाइस। चीज का तो मुझे स्वाद ही नहीं आया इसमें। वही तो कह रहा हूं, अच्छी क्वालिटी की डाली है। और इसमें इन्होंने सीजनिंग भी दी है साथ। ठीक है, मतलब आई वुड नॉट प्रेफर कि खाओ ये वाला पिज्जा, बट लोएस्ट रेटिंग के हिसाब से ही अच्छा है। अगर हमने लाइफ में कभी बढ़िया बढ़िया पिज्जा ना खाए होते और पहली बार पिज्जा खा रहे होते तो ये हमें अच्छा लगता। अच्छा लगता, नॉट दैट बैड। तो अब बारी आ गई है हाईएस्ट रेटेड पिज्जा ऑन जोमेटो की, जो कि पता नहीं कैसा होगा। यार मुझे ज्यादा मेन क्यूरियोसिटी पता है क्या है, कि ये लापिनोज से अच्छा होगा या नहीं होगा। हाँ, क्योंकि लापिनोज का पिज्जा हमारे को बहुत अच्छा लगता है खुद को। इसकी रेटिंग सबसे ज्यादा है और इसका प्राइस है 250 rupees। तो देखते हैं कैसा है ये पिज्जा। चीयर्स। यार ये तो मुझे और भी बेकार लगा है। ये पता कैसा लगा है, कोल्ड पिज्जा होते हैं ना बेकरी वगैरह पे मिलते हैं जो ऐसी रखे होते हैं और माइक्रोवेव में। जो वो बेकरी वालों ने 40-40 ऑलरेडी बने हुए पिज्जा रखते हैं 40-50 rupees के, फिर गर्म करके दे देते हैं कुलचे वाली ब्रेड। ये ना मुझे पक्का लग रहा है कि फेक रिव्यूज दिलवा के ना रेटिंग बढ़ाई हुई है। नहीं, तो नहीं, ये अच्छा नहीं है यार। वैसे अभी तक हमने जितनी भी चीजें ट्राई की ना, रेटिंग पे बिल्कुल मत जाना। रेटिंग पे तो सच्ची में ना जाना, सही बात है। ट्राइड एंड टेस्टेड वाली चीजें खाओ। और वैसे देखा जाए ना, अगर आप लोग ऑनलाइन खाना नहीं मंगाते, सबसे ज्यादा कामयाब लोग आप हो, सबसे ज्यादा बढ़िया लोग आप हो। क्यों भाई, ऑनलाइन जो प्राइसेस का डिफरेंस है ना, नॉर्मल दुकान पे जा 100 rupees की चीज मिलेगी, वही जोमेटो वगैरह पे प्राइस मेंशन की 140। तो इससे बढ़िया ये है खुद बाहर जाओ, जो चीज आपको बढ़िया लग रही है खुद ले लो। इतना क्या आलस हो गया कि घर पे आपको मंगाना है। अभी कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से बाहर का या तो खाओ ही मत, या तो ऑनलाइन ऑर्डर करो या फिर घर पे खुद बना के खा लो। बढ़िया सी चीज बताता हूँ आपको, YouTube पे लिखो फूडी वी रेसिपीज, और जो हमने शानदार रेसिपियां बनाई हुई है, खोज की हुई है, उसको देखो और उसको ट्राई करो। नहीं नहीं, ट्राई करो, बनाओ, खाओ, एंजॉय करो, फ्लेवर लो, मजे लो, एंजॉय करो। तो गाइस इसी के साथ जो वीडियो है वो करते हैं खत्म। तात्पर्य वीडियो का ये है, ऑनलाइन रेटिंग पे बिल्कुल भरोसा मत करो। जो दिखता है वो असल में नहीं होता है, हमने आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया हुआ है। और आज पता भी चल गया कि एक्चुअली कितना ज्यादा फर्क है यार, और कितना कौन दूध में और कितना कौन पानी में है। बिल्कुल सही। लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना फूडी वी के नाम से। बाय बाय।